दोस्तों, आप सभी ने यह लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं। परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तो सभी यही कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? आइए इसे एक कहानी से जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए प्राण नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है, पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज बोले कि तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं किया, यह करके तुम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। धरती पर आते ही यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की पत्नी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। इस पर यमदूत हंसने लगा और सोचने लगा कि इनको पता ही नहीं कि इनके घर यमदूत आया है, और यह यमदूत की पहली हंसी थी। इसके बाद यमदूत उस व्यक्ति के साथ उसके घर में ही रहने लगा। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी चमड़े के जूते बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे ही चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा बहुत ही बेशकीमती है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय चप्पल बना दिए। उस समय चप्पल उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। चप्पल देखकर वह व्यक्ति यमदूत पर बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि अब राजा उसका क्या हाल करेंगे। जब यमदूत ने उसकी डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी, और यह यमदूत की दूसरी हंसी थी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े के चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगता है। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। तब वह व्यक्ति पूछता है कि कैसे कर्मों की सजा? तब यमदूत बोलता है कि समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। काफी समय बाद उस व्यक्ति के दुकान पर एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ आई। दिखने में वह दोनों काफी अच्छे घराने की लग रही थी। यह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह दोनों बच्चियां कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है, इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई। मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया, और मेरे पास बहुत संपत्ति है, और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर 3री बार हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हैं,
अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे पता चल गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। एक बात हमेशा याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।